कार से 66 किलो दौड़ा चूरा बरामद, पंजाब की तस्कर महिलाएं दौड़ा चूरा के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ी। नमस्कार, मैं हूँ शारदा काला, आप देख रहे हैं एमपी 7 न्यूज। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आप एमपी 7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दौड़ा चूरा संबंधी विशेष खबर। मंदसौर के सुवासरा पुलिस ने दौड़ा चूरा की तस्करी करते दो महिलाएं और एक पुरुष को गिरफ्तार किया है। आरोपित दो महिलाएं पंजाब से दौड़ा चूरा लेने मंदसौर आई थी, यहां से तस्करी कर मादक पदार्थ ले जा रही थी। इसी दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ गई। सुवासरा थाना प्रभारी शिवांशु मालवीय ने बताया कि पुलिस को मुखबिर अवैध मादक पदार्थ तस्करी की सूचना मिली थी। इसी पर पुलिस ने थाना क्षेत्र के तख्तपुरा गांव की पुलिया के निकट बुधवार की रात नाकाबंदी करते हुए एक कार क्रमांक MP14CD3922 को रोककर तलाशी लेने के दौरान कार की डिक्की में रखा 66 किलो अवैध मादक पदार्थ दौड़ा चूरा जब्त किया गया। मौके से कार चालक मनोहर पिता भगवान सिंह उम्र 27 वर्ष निवासी धानड़ी थाना सुवासरा मंदसौर और परमजीत उर्फ पम्मी पति मक्खन सिंह उम्र 38 वर्ष निवासी सुभाष नगर टिम्बा रोड डिवीजन 7 पुलिस आयुक्तालय लुधियाना पंजाब और रेशमा सिंह पति नरेंद्र सिंह बाजीगर उम्र 32 वर्ष निवासी सांगोवाल फिलौर जिला जालंधर पंजाब को गिरफ्तार किया है। पहले भी कर चुकी है एमपी से पंजाब तक तस्करी। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि दोनों महिलाएं पंजाब की रहने वाली हैं। आरोपी मनोहर गुज्जर से उनकी पहचान है, वे इससे पहले भी दौड़ा चूरा मंदसौर से पंजाब ले जा चुकी हैं। महिला होने के चलते पुलिस तस्करी का शक नहीं जाता और आसानी से मादक पदार्थ पंजाब तक पहुंचा देती है। तस्कर महिलाएं गोल्डन टेंपल ट्रेन से सुवासरा पहुंची थी। आरोपी मनोहर गुज्जर ने दोनों महिलाओं को 66 किलो दौड़ा चूरा उपलब्ध करवाया था और वही अपनी कार से आरोपी महिलाओं को रामगंज मंडी तक छोड़ने जा रहा था। यहां से महिलाएं ट्रेन के रास्ते पंजाब जाने वाली थी। पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी अधिनियम के तहत तीनों आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। जब तक दौड़ा चूरा की कीमत 54,000 रुपये बताई जा रही है। देखते रहिए हमारे साथ एमपी 7 न्यूज़।